सेल की महारत्न इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में 1 महीने पहले 2 बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीलबंद कार्रवाई की गई थी और इन दोनों बड़ी कंपनियों के नाम महालक्ष्मी ट्रेडर्स और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स हैं। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नेशनल हाईवे रोड के ठीक किनारे स्थित सीलबंद कार्रवाई में 1 महीने बाद दोनों का ही ताला टूटा मिला है और इन पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने शाम को न केवल दोबारा तालाबंदी की कार्यवाही की बल्कि उनके मालिकों को फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ संबंधित कुर्सी पार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आपको बता दें कि जमीन लीज की करोड़ों रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तारीख 17/9/2022 समय 4:20 पे, संध्या 4:20 पे ये सभी जो स्क्रैप डीलर्स के इंडस्ट्री है ये भिलाई स्टील प्लांट के पोसेशन में है, वो हमारे पोसेशन में आधिपत्य में है। कल 16/9/2022 को मेजर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स सह चंद्रा हैवी लिफ्टर्स दोनों एक ही फॉर्म है, इसका ताला तोड़ दिया गया है। अब क्या कार्रवाई करेंगे? है ना, कल ये महालक्ष्मी ट्रेडर्स सह चंद्रा हैवी लिफ्टर्स का दोपहर तक सील थी बीएसपी की, जिसको कि इस फॉर्म को 17/8/2022 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्रीमती क्षमा यदु और दुर्ग जिला पुलिस बल जिसमें कुर्सीपार थाने के भी पुलिस बल थे उनके समकक्ष इनको जो है सील किया गया था और उसके बावजूद भी सील को तोड़ दिया गया जानबूझकर। उसके लिए हमने शिकायत रात को थाने में दी है, रात को हमने कुर्सीपार थाने में लिखित शिकायत दी है 10:30 बजे रात को आके कि इसका सील जानबूझकर तोड़ा गया है। इतनी जानकारी आप लोगों को देना था, मुझे यही बताना था।